सीनियर साफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक हकायक और जज्बात में क्या फ़र्क है, पाकिस्तानियों को ये जानने के लिए एक बार श्रीलंका ज़रूर जाना चाहिए। श्रीलंका में दो बड़ी कौमीतें आबाद हैं, सुनाली और तामिल। सुनाली 74% और तामिल 17% थे। तामिल ज़्यादा पढ़े लिखे और मुतहरक थे, ये यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा दिखाई देते थे। हुकूमत ने 1970 की दहाई शुरू में आला तालीम के लिए चंद ऐसी असलाहत की जिनका सुनालियों को फ़ायदा और तामिल को नुकसान था। श्रीलंका के शुमाली सूबे जाफना में तामिलों की अक्सरियत थी। यूनिवर्सिटी के एक तामिल तालब इलम ने इन असलाहत के खिलाफ तामिल स्टूडेंट लीग बना ली। लीग ने पुरअमन जलसे शुरू कर दी। हुकूमत ने तामिल तालब इलमों को दबाने की कोशिश की। लीग में शामिल चंद जोशीले नौजवान तंजीम से टूटे। उन्होंने तामिल न्यू टाइगर्स के नाम से अपनी जमात बना ली। एक नौजवान तालब इलम पर बारकर इस तंजीम में शामिल हो गया। हुकूमत नौजवानों को दबाती रही और ये उभरते रहे, यहाँ तक कि इन नौजवानों ने प्रभाकर की क्यादत में तामिल इलाइम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अलहदा सूबे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने नौजवानों को गद्दार करार दे दिया। नौजवानों ने जवाब में सरकारी दफ्तरों पर हमले शुरू कर दिए। जाफना का मेयर इनका पहला टारगेट बना। वो 1975 में क्रिश्चियन टेम्पल में इबादत के लिए आया। तामिल नौजवानों के हाथों कत्ल हो गया। इंदिरा गांधी भारत की वज़ीर आज़म थी। जाफना के मेयर की कत्ल खबर दिल्ली पहुंची। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह दो हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला कर लिया। जाफना भारत से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। दोनों के दरमियान समुद्री पानी की छोटी सी पट्टी है। भारत अगर इस पट्टी पर काबज हो जाता तो इसे खलीज बंगाल पर मनापली हासिल हो जाती। इंदिरा गांधी ने यह मनापली कायम करने का फ़ैसला कर लिया। राह ने तामिल नौजवानों से राबता किया, इन्हें ट्रेनिंग और असला देना शुरू कर दिया। तामिल ने जुलाई 1983 में श्रीलंकन फ़ौज पर पहला खौफनाक हमला किया। ये वाक़या श्रीलंका की तारीख में ब्लैक जुलाई कहलाता है। राह ने इस हमले के बाद भारत में 32 ट्रेनिंग कैंप बनाए। 495 तामिल नौजवान जमा किए, इनमें 90 खवातीन भी शामिल थी। इन्हें बाकायदा फ़ौजी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। राह के ये कैंप झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और नीति लाल में थे। आप किस्मत के सितम ज़रीफ़ी मुलाहजा कीजिए। नीति लाल के कैंप से ट्रेनिंग लेने वाली एक खातून ने 1991 में इंदिरा गांधी के साहबजादे राजीव गांधी पर खुदकश हमला किया और वो नाजहानी हो गई। ये 495 नौजवान उठे, मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। इस दौरान तामिल इलाइम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम तब्दील हुआ। ये लिबरेशन तामिल टाइगर्स इलाम हो गई। तामिल टाइगर्स ने 1987 में ब्लैक टाइगर्स के नाम से खुदकश हमलावरों का स्क्वाड बनाया। सियासतदानों, मईशतदानों, फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया। ब्लैक टाइगर्स दुनिया का पहला ग्रुप था जिसने खुदकश बैलेट्स और खुदकश जैकेट्स ईजाद की, खवातीन को खुदकश हमलों में इस्तेमाल किया। ब्लैक टाइगर्स ने 1987 से 2007 तक श्रीलंका में 378 खुदकश हमले किए। ये हमले 274 मर्दों और 104 खवातीन ने किए। इनमें 30,000 लोग मारे गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा लीडर्स, फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिसमैन तामिल टाइगर्स के हाथों कत्ल हुए। तामिल ने 1991 में भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी को इलेक्शन मुहिम के दरमियान उड़ा दिया, जबकि श्रीलंकन सदर राणा सिंगापुर अहमदास 1993 में इनका शिकार बने। टाइगर्स ने इसके अलावा एक सदारती उम्मीदवार, सियासी जमातों के 10 कायदीन, 7 विफाकी वज़रा, 37 अरकान पार्लीमेंट, 6 सूबाई वजीर, 22 अरकान सूबाई असम्बली, 17 सियासी आर्गेनाइज़र और 4 मेयर भी कत्ल किए। पाकिस्तान में इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी। जनरल ज़ियाउल हक़ इंदिरा गांधी से 1971 की जंग का बदला लेना चाहते थे। श्रीलंकन फ़ौज ने जनरल ज़ियाउल हक़ से राबता किया। पाकिस्तान ने मदद की हामी भर ली। ब्रिगेडियर तारक महमूद को श्रीलंकन फ़ौज की ट्रेनिंग का टास्क दिया गया। ब्रिगेडियर तारक ने कमाल कर दिया। श्रीलंकन आर्मी आज भी ब्रिगेडियर तारक महमूद को अपना मोहसिन समझती है। पाकिस्तान की मदद ने लंकन आर्मी में जज्बा पैदा किया। ये तामिल टाइगर से लड़ने लगी, लेकिन ये आसान काम नहीं था। तामिल टाइगर्स को भारत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। राय ने ट्रेनिंग भी देती थी, हथियार भी, रकम भी और मवासलाती मदद भी। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इन्होंने 1995 में लंकन नेवी के 2 बैरी जहाज डबो दिए, जबकि 2000 में शुमाली श्रीलंका का 76% रकबा तामिलों के कब्जे में आ गया।
15,000 मुरब्बा किलोमीटर पर ताइमल टैगस का झंडा लहराता था। ये लोग जाफना में दाखिले के तमाम रास्तों पर भी काबज हो चुके थे। भारत और अमेरिका ने श्रीलंका को जाफना को आज़ाद करने का मशवरा दे दिया। यूँ महसूस होता था श्रीलंका दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक हालात ने पलटा खाया। श्रीलंका के आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कोर्स मेट थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के सारे असला डिपो खोल दिए। श्रीलंका की फ़ौज ने जो मांगा पाकिस्तान ने हवाले कर दिया। पाकिस्तान ने लंकन फ़ौजियों को ट्रेनिंग और जंग लड़ने का तरीका भी सिखाया। इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की। ये तावन 2005 में उस वक्त मज़ीद बढ़ गया जब तामिल टैगस ने आर्मी चीफ जनरल पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद श्रीलंका को अपने C-130 जहाज़ों पर जाफना में हथियार फराहम किए। ये तामिलों के पास इस वक्त छोटे जंगी जहाज़ और 13 शिकन तोपें मौजूद थी। चुनाचा ये काम तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन पाकिस्तान ने यह काम किया। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2006 में तामिल टैगस पर खौफनाक हमले शुरू किए। दुनिया की खौफनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम को हिलाकर रख दिया। ये हमले 2009 तक जारी रहे, यहाँ तक कि तामिल टैगस ने 17 मई 2009 को हथियार फेंक दिए। दहशतगर्द तंजीम का सरबराह पर बारकर 19 मई को मारा गया। यूँ 26 साल लंबी जंग ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में उस वक्त जनरल कियानी आर्मी चीफ थे। श्रीलंका ने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी चीफ का बाकायदा शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, हुकूमत और फौज आज भी पाकिस्तान की ममनून है। ये खुले दिल से तकसलीम करते हैं, अगर पाकिस्तान मदद ना करता तो भारत ने श्रीलंका को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप आज श्रीलंका में कहीं भी चले जाएं, लोग आपके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लेकिन ये नारे, ये मोहब्बत, ये एतराफ़ महज जज्बात हैं। हकायक का इन जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं। हकायक क्या हैं ये आप देखें। श्रीलंका जंग के 5 साल बाद भारत के इंतहाई करीब और पाकिस्तान से दूर हो गया। श्रीलंका और भारत के दरमियान इस वक्त 4.5 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 300 मिलियन डॉलर की तिजारत है। श्रीलंका सुई से लेकर जहाज तक भारत से खरीदता है। भारतीय कंपनियां श्रीलंका में धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगा रही हैं। आप जहाँ जाते हैं आपको इंडिया इंडिया दिखाई देता है। आपको किसी जगह पाकिस्तान नज़र नहीं आता। श्रीलंका भारत के कितने करीब है आप इस बात का अंदाज़ा 3 वाक़यात से कर सकते हैं। लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, टीम वापस चली गई। भारत ने आज तक किसी टीम को पाकिस्तान नहीं जाने दिया। पाकिस्तान में नवंबर 2016 में SAARC की 19वीं कॉन्फ्रेंस थी। भारत ने कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट कर दिया। पाकिस्तान उस वक्त हैरान रह गया जब श्रीलंकन ने भी तहरीरन भारतीय मौक़िफ की हमायत कर दी। श्रीलंका पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट्स पर वीज़े जारी करता था, ये सहूलत भी वापस ले ली गई। पाकिस्तान के लिए वीज़े का अमल भी सख्त कर दिया गया, जबकि भारत के शहरी बगैर वीज़े के श्रीलंका जा सकते हैं। ये क्या है और ये क्यों है, ये हकायक और ये हकायक साबित करते हैं। कौमों के दरमियान जज्बात की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम तो हो सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते। भारत की मईशत मजबूत है, ये श्रीलंका के करीब भी है। चुनाचा श्रीलंका ने चंद बरसों में भारत की तामिल टाइगर्स की सपोर्ट भी भुला दी। 26 बरस लंबी जंग भी फरामोश कर दी। 30,000 लाशें भी माजी में दफन कर दी। जबकि हम श्रीलंका से दूर भी हैं, हमारी मईशत भी मजबूत नहीं। चुनाचा हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है। श्रीलंका हमारा एहसान मानता है, लेकिन ये इस एहसान के बदले कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। श्रीलंकन पाकिस्तानियों के लिए दिल खोल देते हैं, लेकिन ये अपनी मंडियाँ खोलने के लिए तैयार नहीं। हमें श्रीलंका के रवैये से सबक सीखना चाहिए। हमें आप तो मेरा भाई मैं तेरा भाई जैसी पॉलिसी तर्क कर देनी चाहिए। अमेरिका, यूरोप और अरबों के साथ भी ताल्लुकात की तरतीब ठीक करनी चाहिए। हमारे साथ जो अच्छा हो हमें इसके साथ अच्छा रहना चाहिए। जो हमारे साथ बुरा करे हमें इसे खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए। हमें अब ये हकीकत भी मान लेनी चाहिए, मईशत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत रिश्ता होता है। आप अगर मुआशी लिहाज से तगड़े हैं तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त है, और आप अगर कमज़ोर और गरीब हैं तो श्रीलंका भी आपके एहसान भूल जाएगा। ये आपके साथ क्रिकेट तक नहीं खेलेगा।